नमस्कार, सभी की श्री चरणों में प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ समस्त ग्रामवासी का, समस्त कमेटी सदस्यों का और मेरी बड़ी बहन दीपा चौधरी जी का, जिन्होंने आज यहाँ बुलाकर आप जैसे महान श्वेताओं के दर्शन करवाए, कुछ कहने कुछ सुनने सुनाने का मौका दिया। क्योंकि कहते हैं भक्तों के नकदा नकदी दामा में के धोखा हो सरी, के नकदा नकदी दामा में के धोखा हो सरी, और रोज काम ना बढ़ा करे कोई मौका हो सरी। और ये तो कोई मौका है कि हम जैसे छोटे छोटे नाचीज कलाकार आप जैसे बड़े बड़े मान मूर्तियों के बीच कुछ कहने कुछ सुनने सुनाने के लिए आए हैं, बाबा का गुणगान करने के लिए आए हैं। और जैसे कि बताया है आज शिवरात्रि है, तो सभी से कहूंगी, ज्यादा तो नहीं कहूंगी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लो पूरे पूरे जलेबी की तरह, पाछे वालो तुम भी कुछ करके खा लो, दोनों हाथ खा लो। हमारी माता बहनों तुम तो डाटा मारने बैठे जो बैंक लुटन आड़ी वाले, दोनों ठालो हाथ, बोल सच्ची दरबार की, बोल शिव शंकर महाराज की। क्या बात है। आइए भक्तों एक छोटा सा भजन, जैसे कि अभी दीपा चौधरी जी ने आपके बीच में एक भजन और एक उपदेश आपके बीच में रखा, आइए एक दो बात कहने का मौका मुझे भी दे दिया, फिर जैसा आप कार्यक्रम चाहेंगे वैसा आपके समूह कार्यक्रम चलेगा। क्योंकि कहते हैं कि जनता जनार्दन जो होती है वो भगवान का दूसरा रूप होती है, और आज तो लगा कि इस कोने से इस कोने तक सारे हमारे देवी देवता आप ही बैठे हो आज, वही समझ लो। आइए किस प्रकार से एक, जैसे कि आज शिवरात्रि है और हमारी माता बहने बैठी हैं, ऐसी बड़ा सुंदर सा भवन सजना था, और एक भगतनी बाबा के दरबार में पहुंच जाती है, कहने लग जाती है बाबा ये तो मैं जानती हूँ मैं तुझसे कितना प्रेम करती हूँ, या तू जानता है तू मुझसे कितना प्रेम करता है, बाकी दुनिया कुछ नहीं जानती। और आई किस प्रकार से क्या लिख दिया और क्या बता दिया। Thank you.
इसलिए ऐसा खेल रचाया है, जग को ही
जय सच्चे दरबार की सच्ची सरकार।